वेलकम टू स्वाद्स किचन, मैं हूँ शेफ स्नेहा ठक्कर। चलिए तो आज हम बनाते हैं वर्ल्ड फेमस रेसिपी सुरती लोचो, इंस्टेंट स्वाद डिलाइट प्रीमिक्स से आज हम बना रहे हैं सुरती लोचो। और ये लोचो हमने आपके लिए न्यू लॉन्चिंग है, अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप लोचो बना सकते हैं 5 मिनट में। तो चलिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे एक स्टीमर को गरम करने के लिए रखेंगे और गैस ऑन करते हैं। नीचे हमने 1/4 पैन तक पानी भरा है और इसके ऊपर हमने एक प्लेट को सबसे पहले गरम करने के लिए रखना है। जब हम लोचो बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके पानी के अंदर जो प्लेट आप रखते हो वो सबसे पहले गरम करना है। और इसको हम ग्रीस कर रहे थे थोड़े से ऑयल से, सो हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लेके उसको ग्रीस करना है और अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स के लिए ये हाई फ्लेम पे हम गरम करेंगे। ओके, अभी हम बनाते हैं उसका प्रीमिक्स से बैटर। सो बैटर बनाने के लिए मेरे पास जो ये पैकेट है वो 1 kg का है। ये लोचा किसके लिए जरूरी है, जो अगर आप एब्रॉड में पढ़ने जा रहे हो, कोई फैमिली एब्रॉड घूमने जा रहा है, या वहाँ पे आपको अपना करियर बनाना है और वहाँ पे आप कोई शॉप खोलना चाहते हो, यहाँ पे आप कोई चाट कॉर्नर करते हो और आप ये हमारा होलसेल में लोचो लेके बना सकते हैं। इवन ये पैकेट्स हमारे पास होलसेल से लेके आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं स्वाद डिलाइट इंस्टेंट प्रीमिक्स से बनाना सुरती लोचो, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सब लोग उसको इंस्टेंट बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप ऑफ इंस्टेंट लोचो प्रीमिक्स, जो स्वाद डिलाइट का है, आपके लिए नया इंट्रोड्यूस किया है। सो 1 कप ऑफ अगर आप लोचा का प्रीमिक्स लेते हो तो उसमें आपको ऐड करना है 2 कप ऑफ वाटर। डबल पानी आपको लेना है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर 100 ग्राम का पैकेट लोगे तो इसमें 3/4 कप पाउडर होगा, तो आपको 1.5 कप पानी लेना है। बाकी आप कोई भी पैकेट से निकालो, जितना लोचो का प्रीमिक्स पाउडर इससे डबल पानी आपको लेके उसको बनाना है। और 1 कप लोचो पाउडर को आपको 5 to 7 मिनट्स ओनली स्टीम देना है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, बट सिर्फ हम इसमें फ्रेश ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून जितना। फिर जितना आपको तीखा खाना है, ज़्यादा लेना है कम लेना है, आप कर सकते हो। और बहुत अच्छे से उसको विस्क कर दो। अच्छे से विस्क करने से आपके लोचा में बिल्कुल ही लम्स नहीं आएंगे और बहुत बढ़िया लोचो हो जाएगा। बट मेन थिंग इज कि आपको उसको छोटी वाले पैन में करना है, स्टीमर में स्टीम एकदम हाई होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज, लोचो का प्रीमिक्स आपका रेगुलर जो लोचा आता है या खमन बनता है, इससे आपका बैटर थोड़ा पतला होगा। सो लाइक दिस, आप देखिए ये मेरा बैटर कितना पतला है। ये बहुत जरूरी है कि आपका बैटर इतना पतला होना चाहिए। सो मैंने हरी चिली पेस्ट इसमें डाल दी है और बस जस्ट विस्क करने के बाद यहाँ पे हम उसको पोर कर देंगे। और हमेशा ध्यान रहे, ये जो आप बैटर इसके ऊपर डालते हो वो थिक लेयर होना चाहिए, क्योंकि थिक लेयर करोगे तो बहुत अच्छे से एक फॉर्म में आपका लोचा बाहर आएगा। सो मैंने यहाँ पे बहुत इंस्टेंटली बैटर रेडी कर दिया है। अभी हम इसमें पोर करेंगे और 5 मिनट्स में आपका लोचा तैयार हो जाएगा। चलिए तो हम इसमें डाल देते हैं। देखिए थाली आपकी आधे से ऊपर भरनी चाहिए, तब जाके ही उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। और प्रोफेशनली जो लोचे का शॉप है वो लोगों को अपना जो स्टीमर बड़ा आता है उसमें 5 kg, 10 kg का पाउडर डाल के, उसी हिसाब से पानी डाल के, बिना फर्मेंटेशन किए के, बिना बहुत इंस्टेंटली आपका जो लेबर वर्क है वो बच जाएगा, उसकी कॉस्टिंग बच जाएगी और बहुत इंस्टेंट आप कस्टमर को गरम गरम दे पाएंगे। और 1 kg लोचो पाउडर में से 30 प्लेट्स लोचा बनता है। सो आप कॉस्टिंग गिन सकते हो कितना
चीप एंड बेस्ट आपको हमारा ये लोचा पड़ेगा. सो सुरती लोचो इंस्टेंट प्रीमिक्स से आप बनाओगे तो हमारा ये स्वाद का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड तक आप ले जा सकते हो. तो मीनवाइल अभी हम बना सकते हैं. मैं आपको थ्री टाइप्स लोचा बता रही हूँ. एक हमारा जो रेगुलर सुरती चीज लोचा या बटर लोचा, सेकेंड हम बनाएंगे मैक्सिकन लोचा, थर्ड हम बनाएंगे इटालियन लोचा. सो आपको सिंपली वे से इसके सॉसेस रेडी करने हैं. सो फर्स्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक चीज सॉस बना लिया है. जस्ट उसको थोड़ा पतला कर लेंगे, जैसे हम चीज एंड दूध को जस्ट गर्म कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के. और उसमें मैं अभी थोड़ा पानी या दूध मिक्स करूंगी एंड थोड़ा सा डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स. इसके साथ जाएगा थोड़ा अरेगानो एंड जस्ट मिक्स इट प्रॉपरली. सो ये मेरा रेडी हो गया इंस्टेंट इटालियन सॉस. ओके फाइन. अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं सेजवान या तो साल्सा सॉस. अगर आप सेजवान सॉस लोगे आपका बन जाएगा चाइनीज लोचो, अगर आप साल्सा सॉस ले रहे हैं आपका बन जाएगा मैक्सिकन लोचो. सो मैंने यहाँ पे लिया है साल्सा सॉस. अगर आपको ये साल्सा सॉस चीज सॉस वगैरह सीखना है तो हमारे मैक्सिकन इटालियन क्लास जो होते हैं या फिर उसका जो हमारा वीडियो है उसमें आप सीख सकते हो. अच्छे से हमने मिक्स कर देना है. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप्ड प्याज एंड साथ में हम डालेंगे मैक्सिकन सीजनिंग या तो एंटीलाडाज मिक्स. कोई भी मैक्सिकन फ्लेवर आप देना चाहते हो दे सकते हो. जस्ट मिक्स इट प्रॉपरली और ये रेडी हो गया हमारा मैक्सिकन साल्सा सॉस जो बेसिकली मार्केट में कच्चे टमेटो से ही बनाया जाता है, जो हमने पल्प करके इसमें बनाया हुआ है. सो रेडी है हमारा मैक्सिकन सॉस. ओके सो ये मेरा हुआ रेडी इटालियन सॉस जो हम इटालियन चीज सॉस से बनाएंगे इटालियन लोचो. सेकेंड हमारा रेडी हुआ है ये साल्सा सॉस से साल्सा सॉस एंड उसमें मैंने थोड़ा बारीक चॉप प्याज एंड कैप्सिकम डालना है तो डाल देंगे. थर्ड हमारा जो सुरती लोचो ऑथेंटिक है और वो रेडी होगा बटर और लोचा मसाला एंड थोड़ा चीज लेके उसी से रेडी होगा. सो तब तक हमारा ये लोचो यहाँ पे बन गया होगा. पर हम देखते हैं कि ये लोचे के बेनिफिट्स क्या है. फर्स्ट थिंग ये लोचा इंस्टेंट बनता है. सेकेंड आपको उसकी कॉस्ट बहुत ही इकोनॉमिकली पड़ेगी क्योंकि आपका 1 kg में से 30 प्लेट लोचा बनेगा. थर्ड थिंग आपका लेबर वर्क जो है वो बचता है, टाइम बचता है और बहुत इजीली क्विकली आप कस्टमर को ये गरम गरम लोचा सर्व कर सकते हो. सेकेंडली आपको बाहर पैकेट भेजने हैं, आपको बाहर कोई आपका बिजनेस करना है कैटरिंग या चाट का, आप कोई कॉर्नर है वहाँ पे सुबह में लोचा स्टार्ट कर सकते हो. रेस्टोरेंट है वहाँ पे सुबह में आपकी रेस्टोरेंट खाली रहती है, वहाँ पे भी आप लोचा स्टार्ट करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हो. फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको घर पे इंस्टेंट कोई गेस्ट आ जाए और लोचो बनाना है तो भी बना सकते हो. सो ये सारे फायदे आपको इंस्टेंट लोचा का है. तो देखते हैं तब तक हमारा लोचा रेडी हो गया होगा. यस बहुत बढ़िया हमारा लोचो रेडी है. सो वाव बहुत ही बढ़िया. आप देखते हो बाहर जैसा हमारा लोचो यहाँ पे रेडी है एंड तीन पार्ट में मैं उसको लेती हूँ तीन अलग अलग सीजनिंग के लिए. आपने देखा ना 5 मिनट्स में हमारा लोचो कैसे रेडी हो गया है. सो बहुत ही क्विक रेसिपी आपको मैंने आज बताई है और वो भी है स्वाद का न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग. सो इसमें है इटालियन सॉस जो मैंने चीज सॉस बनाया है उसको पोर कर देते हैं अच्छे से. इसमें मैंने थोड़े ऐड करना है तो हम कर सकते हैं बारीक पास्ता लियो पास्ता का जो एकदम फाइनली टाइनी पास्ता आते हैं ना एडिशनली, वो भी मैं थोड़ा ऐड करके उसको पोर कर रही हूँ. सो पास्ता के साथ करोगे तो एक प्रॉपर आपको पास्ता का भी क्रंच आएगा एंड साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे साल्सा जो मैक्सिकन लोचो है एंड चिली फ्लेक्स जिस इसके ऊपर हम डाल देते हैं एंड
यहाँ पे हमारा ये जो रेगुलर लोचो है इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर, हल्का सा मेल्ट करके आपको डालना है, साथ में जाएगा ग्रेटेड चीज, मैक्सिकन में भी थोड़ा चीज एंड इटालियन में चीज, आफ्टर ऑल चीज खाने में मजा आता है। और साथ में आपको मैं बताती हूँ कि लोचा की एक हिस्ट्री है कि सूरत में खमन बनाते बनाते जो बेचने वाला था उनसे कुछ लोचा पड़ गया और एकदम पतला बैटर बन के वो बॉयल होके आ गया, तो तब उसने सोचा कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है और उसने नाम रख दिया सुरती लोचो। और ये इतना वर्ल्ड फेमस हो गया कि लोग स्पेशली सूरत में लोचो खाने के लिए आने लगे। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बटर एंड ऑयल पोर करना है एंड साथ में हम डाल रहे हैं सुरती लोचा मसाला। यस, इट्स डन क्विकली, बहुत अच्छे से रेडी हो गया है हमारा थ्री टाइप्स ऑफ लोचा। और बेसिकली उसको सर्व कैसे किया जाता है, फाइनली चॉप्ड अनियन है और बारीक फ्राइड सेव है और इसको हम सूरत में नमकीन में आता है एंड साथ में ग्रीन चिली का चटनी बनता है। सो इसमें हरा धनिया, ग्रीन चिली, थोड़ा सा पालक के पत्ते एंड यही लोचा का थोड़ा भूखा करके इसमें डालते हैं और ये बन जाता है हमारा लोचा का चटनी विथ लोचा मसाला। सो बनाइए घर पे और कैसा लगा वो हमको बताइए। और हमेशा हमारे जितने भी वीडियो है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।